जमशेदपुर झारखंड के प्रधान स्वास्थ्य सचिव आज अचानक एमजीएम अस्पताल पहुंचे। एमजीएम अस्पताल पहुंचने पर प्रधान स्वास्थ्य सचिव को देखकर वहां अफरा तफरी मच गई। इसके बाद प्रधान स्वास्थ्य सचिव ने एमजीएम अस्पताल के इमरजेंसी वार्ड आईसीयू वार्ड समेत तमाम विभागों का निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान कई खामियां पाई गईं, जिसके बाद प्रधान स्वास्थ्य सचिव ने अधीक्षक और उपाधीक्षक को फटकार लगाई। वहीं प्रधान स्वास्थ्य सचिव ने एमजीएम अस्पताल में बन रही नई बिल्डिंग को भी देखा। मीडिया से बात करते हुए सचिव अजय कुमार ने कहा कि अस्पताल में काफी खामियां हैं, पर इसे दूर करने की जरूरत है। राज्य सरकार के द्वारा अस्पताल के रखरखाव के लिए पैसा भेजा जा रहा है, उसके बाद भी व्यवस्था खराब है। वहीं उन्होंने कहा कि अगर एक सप्ताह के अंदर व्यवस्थाएं दुरुस्त नहीं की गई तो विभाग पर कार्रवाई की जाएगी और कई ट्रांसफर भी किए जा सकते हैं। देखिए, अभी राज्य सरकार का बिल्कुल प्राथमिकता हम लोग का है कि जो मेडिकल कॉलेज के हॉस्पिटल हैं और जो डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल है उसको हम लोग दुरुस्त करें, और इसी के क्रम में हम लोग विभिन्न अस्पताल का निरीक्षण कर रहे हैं। और इस अस्पताल के आज हमने पाया है बहुत सारा काम है, बहुत ज़्यादा सुधार किया है। और जो डॉक्टर्स की जो कमी थी हम लोगों ने दूर कर दी है राज्य स्तर से। जो हम लोग का बहुत लंबी डिमांड था कि प्रमोशन नहीं मिल पा रहा था, हम लोगों ने अभी प्रोफेसर ने सबको प्रोन्नति दी है। आने वाले समय में हम लोग असिस्टेंट एसोसिएट प्रोफेसर भी बनाने जा रहे हैं। फिर जो एसआर जितने डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में थे उनको हम लोगों ने कर दिया कि मेडिकल कॉलेज में आ रहे हैं, तो डॉक्टर्स की जितनी कमियाँ हैं वो सब उनको दूर कर दी गई। और हॉस्पिटल को जो पैसा मिलता है वो भी हम लोगों ने ऑटोमेटिक हर एक मेडिकल कॉलेज में 5 करोड़ रुपया एंटायर फंड भी दे रहे हैं, बाकी पैसे भी दे रहे हैं, दवाई भी दे रहे हैं। तो अब इसके बाद अब कोई एक्सक्यूज़ नहीं रहता है कि हॉस्पिटल ठीक से नहीं चल रहा। तो अब जो भी कमियां हैं वो लोकल स्तर के जो हमारे मैनेजमेंट हैं, जो इनका एडमिनिस्ट्रेशन है हॉस्पिटल का और जो यहाँ के HODs हैं उनमें कमियां पाई गई हैं, वो प्रॉपर तरीके से जो हॉस्पिटल का रखरखाव निरीक्षण होना चाहिए नहीं कर रहे हैं। और ये आज हम लोगों ने देखा है कि जैसे इमरजेंसी में बहुत सारे पेशेंट्स हैं तो उनको बनाना चाहिए वार्ड, फिर बहुत सारे दूसरे बिल्डिंग में पेडियाट्रिक्स भवन खाली है और उसको यूज़ नहीं कर रहे हैं, तो ये जो जगह बहुत सारे कमरे बंद करके छोड़ दिए गए हैं स्टोर के रूप, तो ये मैनेजमेंट लोकल स्तर पे होना है जो कि नहीं हो पा रहा है। हम लोगों ने कहा है सुपरिटेंडेंट है, मेडिकल सुपरिटेंडेंट, डिप्टी सुपरिटेंडेंट, सारे HODs को भी हमने कहा है एक सप्ताह के अंदर से इसको पूरा दुरुस्त कर लीजिए, नहीं तो हम लोग अब जो कानूनी और विभागीय कार्रवाई होती है उसको काम करेंगे। न्यूज विंग के लिए गंगाधर पांडे की रिपोर्ट। आपकी उंगलियां भी बढ़ेंगी। ये देखिए सर, A1 क्वालिटी का सीमेंट लगा रहा हूँ मैं। मजबूती का सारा ठेका हम ही लिए हैं का? अरे बॉडी विदाउट स्ट्रॉन्ग बोन किस काम का? देखिए, मजबूत घर चाहिए तो अच्छे सीमेंट के साथ अच्छा सरिया भी लगाइए, तभी तो ऐसा घर बनेगा जो पीढ़ियां बरते। तो कौन सा TMT लगाएं? अरे एक ही तो है, भारत का सबसे भरोसेमंद सलूजा गोल्ड TMT बार्स। एक्स्ट्रा स्ट्रॉन्ग, हायर अर्थक्वेक रेजिस्टेंस, फ्लेक्सिबल, बेटर बॉन्डिंग विद सीमेंट और सालों का भरोसा। निर्माण में मजबूती चाहिए तो अच्छे सीमेंट के साथ लगाइए सिर्फ सलूजा गोल्ड TMT। अब सही पकड़े हो कॉन्ट्रैक्टर बाबू, सलूजा गोल्ड TMT बार, मजबूती सब कुछ है।